नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने भारतीय इतिहास के वैदिक संस्कृति नामक पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। यह हमारा पाठ 5 है, जो कि इम्पोर्टेंट है रेलवे, एसएससी, यूपीएस और दूसरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, रीत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रित से गोप कहा गया है? इंद्र को, वरुण को, सूर्य को या विष्णु को? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन यानी वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसके ऑप्शन है ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गाय के लिए किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या गृहवेद, गृह सूत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर यानी मृत भांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगवानपुर प्रकाश में आया है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है गेरुवनीय मृत भांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति यानी PCBW। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृत भांड यानी OCP संस्कृति, चित्रित धूसर मृत भांड यानी PGW संस्कृति, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गेरुवर्णी मृत भांड संस्कृति यानी OCP। हमारा अगला प्रश्न है, तीन ऋण में शामिल नहीं है देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मातृ ऋण तीन ऋण में शामिल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14, 15, 16 या 18? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। हमारा अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या ऋषि गौतम रहुगण? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऋषि गौतम रहुगण। हमारा अगला प्रश्न है, पतंजलि कौन था? योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक या पाणिनि के संस्करण व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीका कारक? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीका कारण था पतंजलि। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुख था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ या प्राकृतिक पूजा और भक्ति?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग वेद में सूक्त है 1017, 1020, 1028 या 1128। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1028 ऋग वेद में सूक्त हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पाजिटर, एसी दास, बीजी तिलक या जैकोबी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीजी तिलक ने आर्य के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्कनी, परुष्णी, कुंभा या क्रमु या विषाणु या शत्रुधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुंभा या क्रमु। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देखें, मैं इसका आंसर थोड़ी देर बाद बोल रहा हूं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। हमारा अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवेस्ता ईरान से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, तीन क्रमों यानी पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकरण कहा गया है? सूर्य को, सवित्र को, मित्र को या विष्णु को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विष्णु को उपक्रम कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था वैदिक काल में? इंद्र, नासत या अश्विन, वरुण या मित्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वरुण। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।